Hello students, I am Pramila Malik, PGT English, and I am back again. First of all, I would like to say bundle of thanks to all my students who watched, subscribed, liked my channel and gave many good comments also. लेकिन students, साथ ही साथ मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के सॉरी भी फील करना चाहती हूं, क्योंकि पिछले साल कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मैं आपके लिए बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवा पाई, स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पाई. बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप बच्चों के लिए आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट के बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी, जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे, जिस पर आप हर तरह की अपनी क्वेरीज को क्लियर कर पाएंगे. ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए आज मैं आपके साथ कुछ बातों के ऊपर डिस्कस करना चाहती हूं, और वो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. और वो बातें हैं क्या कि हर बच्चे के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे कितना, क्या, कब और कैसे पढ़ना चाहिए. ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो हर पर्सन के दिमाग में रहते हैं. अब हमें कितना पढ़ना चाहिए वो डिपेंड करेगा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं नाइन्थ क्लास के, तो एज यू नो कि नाइन्थ इज टफर देन टेंथ. सिमिलरली इलेवेंथ इज टफर देन ट्वेल्थ. तो अगर आप नाइन्थ के स्टूडेंट हैं तो आपको जो प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको पता है आपको ट्वेल्थ, इलेवेंथ के अकॉर्डिंग ट्वेल्थ का बोर्ड देना है और नाइन्थ के अकॉर्डिंग टेंथ का बोर्ड देना होगा. तो आपको जो कंसेप्ट क्लियर करने होंगे वो नाइन्थ में करने होंगे. किसके लिए? टेंथ के. तो इट मीन्स जो नाइन्थ क्लास होगी आपकी वो प्रिपरेशन क्लास है आपकी टेंथ बोर्ड की, राइट? इसी तरह से अगर आप इलेवेंथ क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको फाइनली ट्वेल्थ बोर्ड देनी है, इसलिए आपके सारे कंसेप्ट इलेवेंथ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाने चाहिए. तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि हमें कितना पढ़ना है, तो वो आपके क्लास के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे. जिस क्लास में अगर आप हैं, मान लीजिए आप सिक्स क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको कितना पढ़ना है, इट मीन्स इतना तो आपको पढ़ना ही है कि आपके फिफ्थ तक के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो. और फिर सिक्स में क्योंकि सब्जेक्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे एसएस में आपके सब्जेक्ट इंक्रीज हो जाता है, तो फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा टाइम देते हुए पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं, तो उस कॉम्पिटिशन लेवल के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है. तो कितना पढ़ना है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. सेकेंड थिंग कि आपको कब पढ़ना है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंडिविजुअल स्टूडेंट की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा. अब टाइम तो पूरे दिन में आप कोई भी टाइम ले सकते हैं, जैसे सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का है, रात का है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग है. लेकिन जहां तक मैं बात करूं तो अगर हम मॉर्निंग आवर्स को लेते हैं तो वो बेस्ट टाइम रहता है बच्चों के लिए, जहां पर आप जो लैंग्वेजेस हैं उनको ले सकते हैं, जिनको आप इजिली रीड करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और वो बहुत इजिली आपके माइंड में सेट हो जाते हैं. जहां तक हम बात करें कि साइंस, मैथ की, एसएस की जो प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए जो इवनिंग आवर्स हैं वो बेस्ट रहते हैं. फिर आप नाइट आवर्स को भी यूज कर सकते हैं, कुछ बच्चे लेट नाइट आवर्स में भी स्टडी कर सकते हैं. तो ये डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है. देन कि हमें कैसे पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, क्या करें हम जिससे कि हम जो टॉपिक है वो हमारे सारे क्लियर हो जाए. तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए,
ये आपके जो एटमॉस्फेयर है घर का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके लिए जिन बच्चों के घर में स्टडी रूम है सेपरेट, अगर है तो वेल एंड फाइन है, बहुत अच्छी बात है, जहां पर आप सेपरेटली बैठ के स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हुए हैं जिनके पास सेपरेट रूम नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है प्रॉपर, लाइक टेबल नहीं है, चेयर नहीं है। तो अभी इस पैंडेमिक के दौरान जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान लेट कर भी पढ़ रहे हैं, खा के भी पढ़ रहे हैं, और कई बार तो फ्रेशिंग टाइम में भी वो पढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो बात अलग है क्योंकि इस टाइम पर आप स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, आपको टीचर इतना देख नहीं पा रहा है, क्योंकि टीचर के पास ऑनलाइन क्लासेस में बहुत मुश्किल है टीचर के लिए, आप बच्चे सब जानते हैं, तो वो आप पर इतनी नजर नहीं रख पाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको अटेंटिव होकर पढ़ना है, और वो तब हो पाएगा जब आप प्रॉपरली सिटिंग देंगे। और इस सिटिंग का यूज आप देखेंगे कब मिलेगा, जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपको ऑफलाइन एग्जाम तो देना ही है, चाहे क्लासेस अभी आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। इस चीज को सिर्फ सुन के छोड़ना ही नहीं है, और ये तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। जो इस चैनल पर नए आए हैं वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।